नारायणगंज ब्लॉक की क्षेत्र क्रमांक 14 की जिला पंचायत सदस्य प्यारी बाई गोठरिया अपनी शिकायत लेकर कलेक्टर के पास पहुंची, जहां उन्होंने बताया कि विकास कार्यों के लिए 15 वित्त की राशि प्रत्येक सदस्यों को 15-15 लाख रुपए दी गई, केवल उन्हें ही 6,30,000 रुपए की यह राशि दी गई है। उन्होंने बताया कि वह इतनी कम राशि में कैसे विकास कर पाएंगी। उन्होंने बताया कि पहले से उन्हें इस विषय पर बताया भी नहीं गया और उनकी यह राशि काट ली गई, जिसको लेकर उन्होंने जिला पंचायत सीओ से भी मुलाकात की, बात की, परंतु जिला पंचायत सीओ के द्वारा भी उन्हें कोई जवाब नहीं दिया गया है। अब प्यारी बाई गोठरिया जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 14 नारायणगंज कलेक्टर के पास पहुंची हैं और उन्होंने कलेक्टर को आवेदन दिया है तथा जाँच की बात कही है। क्या पर्चा है आपका? मैं प्यारी बाई गोठरिया जिला पंचायत सदस्य क्षेत्र क्रमांक 14 है नारायणगंज ब्लॉक की हूँ। तो मेरा यानी 15 वित्त वाला पैसा है, जो सभी सदस्यों को 15-15 लाख रुपया दिया गया है। मेरे को 6,30,000 क्यों दिया गया, क्या कारण है, मेरे साथ ऐसा गलत व्यवहार क्यों किया गया? किसने दिया है और किस काम के लिए? जो मेरे क्षेत्र में विकास के लिए। किनके द्वारा दिया गया था ये? जिला पंचायत सीओ। जिला पंचायत सीओ के द्वारा दिया गया जी। विकास कार्यों के लिए 15-15 लाख सभी को दिया गया है जी, और आपको केवल 6.5 लाख रुपए दिए गए जी। आपने पूछा नहीं कि इसका कारण क्या है? तो पूछी थी ना मैं। हाँ। तो बोल रही थी कि नहीं मैडम, वहीं से है आपका पैसा, प्रस्ताव में पारित किया गया है सभी के, तो जो पैसा हमने डाला है। इससे पहले क्या जिला पंचायत में किसी के साथ आपकी कुछ अनबन हुई हो? अनबन तो अभी नहीं हुई है, पहले बहुत पहले हुई थी। उसमें चुनाव की वजह से आचार संहिता लग गई थी, लोग तो उसमें रोक लग गई थी। तो फिर उसके बाद फिर से जो पैसा डाला था जिला पंचायत में, वो हमारा जो 15 वित्त का जो पैसा है, हमारा अधिकार है, हमको मिलना चाहिए। वो जो फिर हमने फिर से प्रस्ताव पारित किए थे हम लोग, तो फिर उसमें फिर हमको मिलना चाहिए। तो क्यों ऐसा व्यवहार हुआ हमारे साथ? तो इस 6.5 लाख में आप क्या विकास कार्य कर पाएंगे? क्या कर पाएंगे? कुछ नहीं। हमारा विकास कार्य हमारे क्षेत्र में हो ही नहीं पाएगा। क्षेत्र बड़ा है मेरा, 31 पंचायत है, मैं उसमें क्या विकास कर पाऊंगी? अभी आपने और कहां संपर्क किया है इसके लिए? आप आवेदन दिए होंगे आपने? जी, मैं कलेक्टर ऑफिस आई थी, वहां पे आवेदन किए हैं, जानकारी दी हूं कि इसका निराकरण किया जाए। धन्यवाद।